करवा चौथ का त्यौहार बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ये व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इसका पालन करने से जीवन में शुभता आती है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। लेकिन करवा चौथ का पर्व हर साल विवाहित महिलाओं के बीच उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और शिव परिवार की पूजा करती हैं। इसके साथ ही महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। वहीं इस मौके पर कई पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक माह में पूर्णिमा के बाद यानी चौथे दिन मनाया जाता है। इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो जान लेते हैं आज इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। केरल की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने चंद्रदेव को कलंकित होने का श्राप दिया था। इस वजह से करवा चौथ पर सीधे तौर पर चांद का दर्शन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही इससे अशुभ परिणामों को फल मिलता है, अशुभ परिणाम जीवन में घटने लगते हैं। इसलिए इन अशुभ परिणामों से बचने के लिए करवा चौथ के दिन चांद देखते समय छलनी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ताकि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। छलनी में दीपक रखने को लेकर ऐसा कहा जाता है कि पवित्र दीपक अपनी लौ के जरिए जीवन के अंधकार को दूर करता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा ये कलंक के प्रभाव को कम करता है। करवा चौथ हिंदू महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही वो विभिन्न प्रकार के पूजन अनुष्ठान भी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के दिन देवी पार्वती की पूजा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि भी होती है और ये सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। आपको बता दें कि इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी के साथ इस अवसर पर शादीशुदा जोड़ा बहुत सारी चीज़ें करता है, यानी कि पूजा से लेकर अनुष्ठान सब साथ में होता है। आपको बता दें कि बहुत सी महिलाएं इस दिन अपनी शादी का जोड़ा पहनती हैं। जी हाँ, शादी का जोड़ा पहने हुए आपने कई महिलाओं को देखा होगा, लेकिन इसके पीछे का आखिर कारण क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि शादी का जोड़ा सात फेरे और अन्य विवाह के अनुष्ठान को करते समय बहुत पवित्र हो जाता है। वहीं इस जोड़े को करवा चौथ के दिन दोबारा से पहना जाता है तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका शुभ प्रभाव शादीशुदा जिंदगी पर पड़ता है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और वर वधु के बीच प्यार बढ़ता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में कभी कलेश का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में नवविवाहित महिलाओं को ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि पहले करवा चौथ पर वो अपनी शादी का जोड़ा ही धारण करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।